नमस्कार दोस्तों, आज भी इस धरती में हनुमान जी जीवित हैं और वह गुप्त रूप से धरती पर विचरण कर रहे हैं। कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा से बहुत जल्दी असर दिखता है, क्योंकि वह जागृत देव है। हनुमान जी की चालीसा में ही इतनी शक्ति है कि यह आपके जीवन से जुड़ी हर परेशानियों को दूर कर सकता है। आज हम आपको हनुमान चालीसा से जुड़े वास्तविक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लोग अपने असल जीवन में महसूस कर चुके हैं। ये सभी घटनाएं दोस्तों सत्य हैं, यानी ये सच में लोगों के साथ घट चुकी है। दरअसल दोस्तों, ये सभी घटनाएं हमारे सब्सक्राइबरों के जीवन में घटित हो चुकी है तथा उन्होंने अपनी यह लाइफ एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करने की इच्छा जताई है। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे दर्शक जिन्हें लाख कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उन्होंने केवल 7 दिन में हनुमान चालीसा का सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में देखा। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको उन दर्शकों के द्वारा बताए गए अनुभवों को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, गुजरात के रहने वाले परेश भाई अपने जीवन में नौकरी को लेकर बहुत दुखी थे। दरअसल जब वह ग्रेजुएशन कर रहे थे तो एक बीमारी के कारण उनके पिता का देहांत हो गया था। ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ चुकी थी। उनका डर और भय जा नहीं रहा था। जब भी वह अपने आप को लोगों के बीच पाते थे तो वह नर्वस हो जाया करते थे। उनके घर में उनकी माँ और एक छोटा भाई था। क्योंकि ग्रेजुएशन उनकी पूरी थी नहीं तो कहीं ढंग की नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। पर सबसे बड़ी परेशानी उनकी शिक्षा नहीं बल्कि उनका डर और भय ही था। नौकरी में पूछे जाने वाले सवाल भले ही उन्हें पता थे, परंतु भय और घबराहट इतनी थी कि जवाब उनके मुँह से निकलता ही नहीं था। लोगों से बात करने में अक्सर उन्हें घबराहट होती थी और अपने भय की वजह से उन्हें कभी कभी लगने लगा कि जैसे वह अभी भी अपने को एक छोटा सा डरा हुआ बच्चा महसूस कर रहे हैं, जिसमें लोगों से सामना करने की हिम्मत नहीं है। एक दिन उन्होंने हमारे चैनल प्रभुदर्शन पर हनुमान चालीसा की चौपाई में छिपी शक्तियों के बारे में वीडियो देखी, जिसमें उन्होंने जाना कि हनुमान चालीसा हमारे जीवन में कितनी सहायक हो सकती है और किस प्रकार उनकी मदद कर सकती है। प्रेस भाई बताते हैं कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ते समय केवल अपने मन में यही भाव रखा कि अब मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से हनुमान जी की भक्ति में समर्पित कर दिया है। अब हनुमान जी ही मेरी नैया पार लगाएंगे। मैंने पूरी भक्ति भाव से हनुमान चालीसा के लगातार 7 दिन तक पाठ किया। 4-5 दिन में ही मुझे अपने आप में एक अजीब सी शक्ति अनुभव हुई। अब मुझ में वह भय नहीं रह गया था जिस तरह मैं पहले लोगों के सामने जाने से हिचकता था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई है जो मुझे कुछ भी नहीं होने देगा, मुझे हर संकट से बचा लेगा, और एक अजब सा आत्मविश्वास मुझ में भरा हुआ था। जब मुझे एक जॉब के लिए कॉल आई तो इस बार मैं पहले की तरह नहीं घबरा रहा था और उन्होंने मुझे कंपनी से फ़ोन आया। जब मैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दे रहा था तो मेरे आवाज़ में एक अजीब सी मजबूती थी, आत्मविश्वास चेहरे में दिखाई दे रहा था। हनुमान जी की ऐसी महिमा हुई कि अगले दिन ही उन्होंने मुझे कंपनी से फ़ोन किया कि मुझे वह जॉब मिल चुकी है। परेश भाई बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आज तक मैंने किसी भी ग्रुप में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया था, क्योंकि अक्सर मैं डर जाता था कि कहीं लोग मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे। मेरे ज़्यादा ना बोल पाने के कारण ही मेरे स्कूल और कॉलेज में अच्छे दोस्त नहीं थे, परंतु हनुमान चालीसा के जाप से जो मैंने खुद में परिवर्तन देखा, मैं खुद अपने आप में विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, एक और हमारे सब्सक्राइबर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे जिनकी ज़िंदगी केवल हनुमान चालीसा के इस एक चौपाई ने बदल दी। दरअसल 28 साल के विनय की अभी शादी हुए केवल 2 साल ही हुए थे, क्योंकि पत्नी एक दिन अचानक खाना बनाते बनाते ज़मीन में गिर गई। विनय ने अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती तो कर दिया, परंतु 1 हफ्ता हो जाने के बावजूद विनय की पत्नी की हालत में कुछ सुधार नहीं दिख रहा था। तब विनय ने कई अस्पतालों में अपनी पत्नी को दिखाया, परंतु कोई भी डॉक्टर के पास विनय की पत्नी का इलाज नहीं था। एक दिन विनय की पत्नी बिस्तर में लेटी थी जब विनय दवा लेकर उसके पास आया तो विनय की पत्नी दुखी स्वर में बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरे मर जाने में ही फायदा है, क्योंकि मैंने आपको बहुत दुखी कर दिया है। क्योंकि विनय अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसकी बात सुन
विनय की आंखों में आंसू आ गए। उस समय तो विनय ने अपनी पत्नी को समझाया, पर विनय अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। एक बार विनय ने हमारे हनुमान जी से जुड़ी एक वीडियो, जिसमें हमने हनुमान जी की चौपाई के लाभ बताए थे, उसे सुना। उसमें एक चौपाई थी, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंत हनुमंत बलबीरा। इस चौपाई से विनय को एक आस दिखाई दी और उसने निश्चय किया कि हर सुबह वह हनुमान मंदिर जाकर इस एक चौपाई का जाप 1 घंटे करेगा। अगले दिन से ही वह सुबह हनुमान मंदिर जाने लगा और हर दिन 1 घंटे हनुमान जी के इस दिव्य चौपाई का वह जाप करते रहा। केवल 2 हफ्ते के अंदर ही विनय की पत्नी की हालत में सुधार दिखने लगा और कुछ ही दिनों में विनय की पत्नी फिर से चलने फिरने लगी और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। विनय हनुमान जी की इस चौपाई की महिमा और इसकी शक्ति को अच्छी तरह से जान गया था। दोस्तों, शास्त्रों में हनुमान चालीसा के अनेक लाभ बताए गए हैं, तथा यह वर्णन भी है कि इस चौपाई का जाप आपको क्या फ़ायदा दिलाएगा। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया है कि हनुमान चालीसा को पढ़ने का सही समय क्या है। दोस्तों, इन सभी पर भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।